दिलबरान जाफर तैयार, अलविदा 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 अलविदा, दिलबरान जाफर तैयार, अलविदा 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 अलविदा, दिलबरान जाफर तैयार, अलविदा अलविदा। ये बच्चों से कहती थी बार बार, जन को सिधारो आलो मोहम्मद ये मानसा, ऐ दिल बरान जाफर तैयार, अलविदा 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 अलविदा, ऐ दिल बरान जाफर तैयार, अलविदा 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 अलविदा, ऐ दिल बरान जाफर तैयार, अलविदा थी बार बार, बिन्ते अली ये बच्चों से कहती थी बार बार, बिन्ते अली ये बच्चों से कहती थी बार बार, धन को सिधारो मोहम्मद ये मानसा, ऐ दिल बरान जाफर तैयार, अलविदा 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 अलविदा, ऐ दिल बरान जाफर तैयार, खुदा की बेटी के तुम दोनों शेर हो, 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 मैदान जाओ हमें अब कुछ न देर हो, बनाने जा पर तैयार, अलविदा अलविदा अलविदा, मेरे भाई मेरी बहनें मेरी बेटियां मेरे बुजुर्ग सब आए जरा कुछ देर के लिए करबला चले, जहां असर का वक्त है, बहुत बड़ा मजमा है, एक आदमी बीच में खड़ा है, चारों तरफ से तीर आ रहे हैं, मैदान करबला में जलजला से महसूस हो रहा है। एक बहन खेमे से बाहर आई और फरमाती है, मैंने देखा मेरा भाई लहू लहान है, सर से लेके पांव तक जख्मी है, पूरे बदन में तीर है, मैंने एक मर्तबा देखा लेकिन पहचान नहीं सकी ये मेरा भाई है। क्या सवाल किया जनाबे ज़ैनब ने, अंता अखी, क्या आप मेरे माजाए हुसैन हैं? मौला ने ये नहीं कहा हाँ मैं हुसैन हूँ,
एक मरतबा देखा जिला जैनब है जनाब जैनब है, बस एक जुमला कहा या जैनब इरजई इलल फुस्ता, जैनब खेमे में वापस चली जाइए, अभी जब शिविर मेरा मामा उतारेगा मेरे बालों में हाथ डालेगा आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। परवरदिगार उस असर का वक्त है, यहाँ इतने तबर्रुकात हैं, बस आप सब लोगों की तरफ से इस अलविदाई मजलिस में सबको हाथ बुलंद करके बस एक वास्ता मौला हुसैन को, हम असर खा के कहते हैं मौला अगर हमारे मर्द करबला में होते जनाब अली अकबर को बर्छी ना देते, अगर हमारी ये बच्चियां करबला में होती जनाब सकीना को चमाचे ना लगते, ये अपने रुखसार पेश कर देते शेम मत मार सकीना को हमें चमाचे मार ले। परवरदिगारा तुझे वास्ता तेरे हुसैन का, ये जितने आजादार हैं उनकी आजादारी अपनी बारगाह में कबूल फरमा। आज जरा एक वास्ता जनाब सैयदा को दूंगा, बीबी जरा आके देखे करबला में कोई नहीं रहा था आपके बेटे का, यहाँ आज कितने लोग आए हैं। बीबी मैं कसम खा के कहता हूँ अगर इनमें से कोई भी करबला में होता ये जान दे देते आपके बेटे को पत्थर ना लगने देते, कोई तीर ना लगने देते। आए जरा मिल के मेरे बहुत दूर दूर तक भाई बहन खड़े हैं, न मेरे सीने में तम है, दो दिन से जाग रहा हूँ लेकिन न मैंने लाशें उठाए हैं। आए जरा मिल के तसव्वुर कीजिए वो इमाम सुबह से लाशें उठाते हैं। परवरदिगारा तुझे तेरे हुसैन का वास्ता जो खुले आसमान तले खड़े हैं, सारे अंबिया कह रहे आफरीन है हुसैन, अंबिया वो आजमाइश ना दे सके जो आपने दी है। जनाब जुमला कहा है, मैं दलील के साथ बात कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ सब थक चुके हैं, जनाब इब्राहिम ने जब छुरी रखी थी ना बेटे के गले पे तो आंखों पे पट्टी बांध ली थी, बेटे को जिबा होता देख नहीं सकता, लेकिन जब मौला हुसैन जनाब अली अकबर के लाशे पे गए थे तो कहा था परवरदिगारा गवाह रहना मैं बर्छी निकालूंगा। शायद इसीलिए अल्लाह ने कुछ देर के लिए नूर छीन लिया हुसैन, मैंने मोहब्बत दी है, मैं जानता हूँ बाप बेटे के सीने से बर्छी नहीं खींच सकता। परवरदिगारा इन तमाम अजादारों की, इन तमाम के तमाम जितने भी यहाँ जुलूस में आए हैं सबकी अजादारी अपनी बारगाह में कबूल फरमाओ। अपने अपने हाजात तलब कीजिएगा, आंखों में आंसू हो हुसैन का वास्ता हो दुआ रद्द नहीं होती, हाथों को बलंद कर लें, खुले आसमान के नीचे दुआ कबूल होती है। आए भाई लोगों के क्रिए में दुआ रद्द नहीं होती, परवरदिगारा तुझे तेरे हुसैन का वास्ता, उस मजलूम इमाम का वास्ता जो 72 के लाशें उठाते हैं। जब मौला अब्बास ने कहा ना आका मैं लाशा उठा लूँगा, कहा नहीं अब्बास इन्होंने मुझ पे जान कुर्बान की है, अब्बास मैं खुद लाशें उठाऊंगा। परवरदिगारा वास्ता मौला हुसैन की अजमतों का, हम सबको करबला की ज्यारत बार बार नसीब फरमा, हम सबको और हमारे मरहूमीन को मौला हुसैन की शफात नसीब फरमा, दुश्मनान अहले बैत को नीस्त व नाबूद फरमा, परवरदिगार इन तमाम के तमाम अजादारों की हिफाजत फरमा, जो हाथ बुलंद है किसी को रद्द ना फरमा। परवरदिगार न जाने लोग कितनी जहमतों से दूर दूर से आए, सबको अगले बरस दोबारा ये मजालिस नसीब फरमा। परवरदिगार हमें जन्नतुल बकी तामीर होता देखना नसीब फरमा, हमें साहिबुल जमान का जहूर देखना नसीब फरमा। अपने अपनी हाजात तरफ कीजिएगा, आखिरी वास्ता दे रहा हूँ, बिल्कुल थक चुका हूँ। परवरदिगार बड़े बड़े उलमा ने बताया अगर दुआ कबूल ना हो रही हो तो इमाम ज़माना को दो वास्ते हैं। कौन से दो वास्ते? इमाम ज़माना को दो बातों का बड़ा सदमा है, एक अपनी दादी के दरबार में जाने का, दूसरा अपनी फुफी के बाजार में जाने का। एक मरतबा कहे माना आपको ये वास्ता देते हैं अगर आप कह देंगे तो कभी दुआ रद्द नहीं होगी। अपने अपनी हाजत न करें परवरदिगारा, किसी की हाजत रद्द न फरमा। परवरदिगारा परवरदिगारा तुझे वास्ता आज के दिन का,
हमें सामर्रा की ज़ियारत नसीब फरमा। एक मरतबा बस मैं मुख्तसर ज़ियारत इमाम हसन अस्करी की पढ़ूंगा, इसी पे तमाम करूंगा। मौलाना इमाम ज़माना को पुरसा देते हैं, इमाम ज़माना को 5 बरस के इमाम ज़माना है जब यतीम हुए और एक 3 बरस की बीबी भी यतीमा हुई थी। उस बीबी को बड़े तमाचे लगे थे, इमाम ज़माना कहते मेरा सलाम उस मासूमा बीबी पे जिनके रुखसारों का रंग बदल जाता था, कभी सुर्ख हो जाता कभी नीला हो जाता। परवरदिगारा तो जब आस्ता आए जरा मिल के, मुझे नहीं मालूम किस तरह से कबला, एक मरतबा मिल के इमाम हसन अस्करी को सलाम करेंगे, इमाम ज़माना को पुरसा देंगे, आप फिर अपने ज़ियारत को जारी रखेंगे, जुलूस को जारी रखेंगे। السلام عليك يا حسن بن علي، السلام عليك أيها الزكي العسكري، السلام عليك يا حجة الله، السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا إمام المفروض الطاعة من الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، السلام عليك يا ابن الحسن والحسين، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا صاحب الأسر والزمان، الأمان 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 من فتنة الزمان وشر الشيطان، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا حامل الكفر والطغيان، السلام عليك يا طافئ الظلم والعدوان، عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك وجعلنا الله تعالى من عبادك وانصارك والمستشهدين بين يديك ورحمه الله وبركاته.